आपके अपने चैनल आयुर्वेदिक रेमेडी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर गर्भवती महिला एक स्वस्थ और सेहतमंद जिंदगी को जन्म देना चाहती है, इसलिए घर के बुजुर्ग केसर वाला दूध पीने की सलाह देते हुए आपको मिल जाएंगे, क्योंकि केसर हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, साथ ही उस बच्चे के लिए भी फायदेमंद है जो अभी दुनिया में आने वाला है। दूध सेहत के लिए फायदेमंद होता है ये हम सभी जानते हैं, पर जब इसमें केसर मिला दी जाती है तो इसके फायदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। केसर वाला दूध माँ और बच्चे दोनों के लिए कितना फायदेमंद होता है, साथ ही कब और कितना केसर वाला दूध पीना चाहिए, ये सब जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए केसर वाला दूध पीने के फायदों के बारे में जानने के लिए। केसर कीमती और खुशबूदार होता है, इसे कुमकुम, जाफरान और सेफ्रोन जैसे नामों से जाना जाता है, लेकिन केसर नाम से ये ज़्यादा मशहूर है। कई खाने पीने की चीज़ों में केसर का खूब इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं औषधि के रूप में तो कहीं मसालों में, तो वहीं केसर को गर्भवती महिलाएं और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद माना जाता है। और माना भी क्यों ना जाए, आखिर केसर वाला दूध पीने के फायदे भी तो बहुत हैं। तो चलिए डालते हैं एक नज़र केसर वाला दूध पीने के फायदों पर। तनाव, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, बिना किसी बात के रोना जैसी परेशानियों को दूर रखता है, यानी आपका मूड सही बनाए रखता है। प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर की कुछ महिलाओं को परेशानी होती है, केसर इसमें काफ़ी हद तक हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार होता है। तो वहीं कुछ महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की परेशानी होती है, इस परेशानी से राहत पाने के लिए केसर काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। प्रेगनेंसी के दौरान केसर पेट की ऐंठन और दर्द जैसी परेशानी में भी फायदेमंद होता है, साथ ही आसानी से पेट साफ करता है, भूख को बढ़ाता है, पाचन शक्ति में सुधार लाता है। केसर गहरी नींद लाने में मददगार होता है, त्वचा की परेशानी में भी काफ़ी हद तक बचाव करता है, गर्भावस्था के दौरान बालों का झड़ना कम करता है, और सबसे बड़ा फायदा नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाता है। अब मन में एक सवाल पैदा होता है, केसर को कब और कितनी मात्रा में लेना चाहिए? तो चलिए जानते हैं। केसर को आप कम से कम 5वें महीने से लेना शुरू कर सकते हैं। दिन में एक बार एक गिलास दूध में 2 से 3 देसे केसर के डालें। केसर की लंबाई लगभग 1 इंची हो और 15 से 20 मिनट बाद मिलाकर पी लें। अगर आप रात को दूध लेते हैं तो इसे सोने से कम 1 घंटा पहले पिएं। दोस्तों, केसर की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका ज़्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए केसर को कम मात्रा में लेना ठीक होता है। ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। केसर वाला दूध पीने से किसी भी महिला को किसी भी तरीके की परेशानी सामने आए तो इसे ना पिएं। बेहतर होगा केसर वाला दूध पीने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से बात करें। रही बात प्रेगनेंसी में केसर वाला दूध इसलिए पीने की क्योंकि इससे बच्चे का रंग गोरा होता है, तो आपको बता दें यह पूरी तरीके से एक मिथक है। इस बात का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। बच्चे का रंग माँ बाप के जीन्स के आधार पर ही तय होता है, इसका खाने पीने से कोई संबंध नहीं होता। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता ही है, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँच सके। दोस्तों, इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, स्क्रीन पर आ रहे वीडियो जरूर देखें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए इस सर्कल को टच या क्लिक करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।